जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत तो आप और हम सभी ने सुनी है, लेकिन क्या कभी ऐसा होते हुए आपने देखा है? सोचिए, आप किसी लाश का दाह संस्कार करने जा रहे हों और वो अचानक हिलने लगे, वो अचानक उठ खड़ी हो, जिंदा हो जाए, तब आप क्या करेंगे? एक बार तो आपके दिल की धड़कन ज़रूर धक से करेगी कि ये क्या है, सच है या फिर कोई करिश्मा। ऐसी ही हैरान कर देने वाली एक वारदात हुई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, जहाँ एक बुज़ुर्ग को मरा समझकर उसकी बॉडी को फ्रीजर में रख दिया गया था, और जब उसे फ्रीजर से बाहर निकाला तो उसकी दिल की धड़कन चल पड़ी, यानी लाश जिंदा हो गई। 73 साल के बाला सुब्रमण्यम कुमार अपने 70 साल के छोटे भाई श्रवण कुमार के साथ कदम पट्टी में रहते हैं। 12 अक्टूबर को बाला सुब्रमण्यम अचानक बेहोश हो जमीन पर गिर पड़े। तब उस वक्त घर में सिर्फ दोनों भाई ही मौजूद थे, जिसके बाद बाला सुब्रमण्यम के छोटे भाई को लगा कि उनकी मौत हो गई। लाश सड़ न जाए इस वजह से छोटे भाई ने फ्रीजर बॉक्स की डिलीवरी करने वाली शॉप में कॉल करके एक फ्रीजर बॉक्स मंगवाया, और उसी दिन शाम के 4 बजे फ्रीजर बॉक्स की डिलीवरी भी कर दी गई। शॉप के स्टाफ ने डिलीवरी करते वक्त ये बात कही थी कि काम खत्म होने के 2 दिन बाद वो फ्रीजर बॉक्स ले जाएंगे। 2 दिन बीतने के बाद जब शॉप का स्टाफ उनके घर से फ्रीजर बॉक्स लेने आया तो फ्रीजर के अंदर कुछ हलचल हुई। स्टाफ ने जब बॉक्स को गौर से देखा तो उसे एक इंसानी हाथ दिखाई दिया जो हिल रहा था। इसके बाद जो हुआ उसे आप करिश्मा कहें या चमत्कार, बॉडी को जब लाश समझकर बाहर निकाला गया तो उसकी दिल की धड़कन चलने लगी। बाला सुब्रमण्यम को फ्रीजर से बाहर निकालने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि छोटे भाई श्रवण कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो वहीं 70 साल का बुजुर्ग डॉक्टर की निगरानी में है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।